Hi Iman and welcome to my show. Thank you. I want to start my show with condolences for Abid uncle. I'm so sorry for your loss. What actually happened, Iman? Well, humse to wo zyada mulaqat nahi hoti thi because of his second marriage. So hame to bataya nahi tha kuch. Agar actually hamare sath rehte hote to hum unka regular check up karate because kafi der pehle unka liver ka ek problem hua tha. Many years back, I was too young then. So wo pehle hum log karate rehte the unka check up, but then since he was not living with us, to unka check up regular nahi ho sakta tha. So basically it must have gotten worse. Aur phir jab meri shaadi pe dobara hamara milna julna shuru hua and all, to kafi pehli dafa mere papa se bahut close friendship hui thi. But then I guess उन्होंने हमें तंग नहीं करना चाहिए. फिर छोटी वाली की शादी हो गई तो हमने उनका तंग भी नहीं करना चाहा, तो हमें तंग नहीं करना चाह रहे होंगे इसलिए उन्होंने हमें नहीं बताया. We were not informed. यहाँ तक कि वो लाहौर आए हुए थे एंड हमारी पप्पो की तरफ से जाके वो अपना इलाज वगैरह करा रहे थे. शौकत खान हमसे चेकअप वगैरह करा रहे थे एंड ही वॉज देयर फॉर अ मंथ एंड उन्होंने हमें कॉल भी नहीं किया, हमें बताया भी नहीं दैट ही वॉज देयर टिल ईद आई विच वॉज लाइक अ मंथ लेटर. तो हमें पता चला कि उनकी शायद तबीयत ख़राब है और ईद पे फिर हम जब मिले तो वी वर सरप्राइज कि विद इन अ मंथ उनकी हालत बिल्कुल उलट थी. ही वाज फाइन एट योर वेडिंग. एट माय वेडिंग पे था, सोनू की छोटी रामा की शादी पे भी ही वाज परफेक्टली फाइन. तो बस हालांकि पापा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई भी, थोड़े वीक लग रहे थे, बट मैंने सोचा बहुत शूटिंग्स कर रहे थे, ही वाज डूइंग टू मेनी प्लेस, तो मैंने सोचा उस वजह से कुछ मे बी ही इज अ लिटिल एंड देन आई वाज बिजी विद शादी के बाद, यू नो इंसान बिजी हो जाता है. एंड देन आई वेंट अवे ऑन माय हनीमून. वहाँ से अभी कुछ पता ही नहीं चला वो दिन. लाइक मैं उनसे मिली हूँ ईद पे एंड उसके आई थिंक दो हफ्ते बाद यू कॉल टू कराची एंड बैड थिंग्स हैपेंड. एंड हमें तो बिल्कुल एंड टाइम पे बताया गया. योर सिस्टर मेड अ वीडियो विच वॉज वेरी पेनफुल. एक बेटी इस तरह, एक्चुअली हम सब साथ में ही थे और मैंने उससे कहा था कि लेट्स नॉट रिएक्ट. अभी इतनी जब आपके साथ कोई बड़ी चीज़ हुई होती है तो उस वक्त इंसान इन हालात में नहीं हो सकता होता कि वीडियो बनाए और कोई ऐसी सेंसिबल बातें कर सके. और तो वो उन लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया, बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि हर फादर्स जस्ट पास्ट अवे. और वो हुआ ये था कि हम लोग हॉस्पिटल में थे सभी लोग. मैं उसी दिन गई थी और मेरा सूटकेस मेरे हस्बैंड की खाला की गाड़ी मुझे लेके आई हुई थी. मैं नीचे सूटकेस लेने गई, उतनी देर में वापस आते आते व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू द रूम दूर से भागती हुई एक नर्स आ रही है कि जल्दी जाए कमरे में जाए. आई वाज लाइक सो शाम को मैं सुबह को मैं गई और शाम को ही वाज गॉन. तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था और पापा ने वी वर नेवर इन्वाइटेड टू पापाज हाउस इन कराची एंड बिकॉज यू आर नॉट वेलकम देयर क्वाइट एविडेंटली. सो एंड देन ही पास अवे एंड अभी तो उससे ही रिकवर नहीं कर पा रहे थे. सडनली ऐसी कि वो कोई लोग आए हैं एंड दे सेइंग वी हैव टू मूव हिम अवे. आई कांट यूज द वर्ड्स यू नो, सो वी हैव टू टेक हिम. आई थॉट कहीं साइड पर ले जा रहे हैं, आई डोंट नो. एंड देन पता चला कि नहीं, उनको घर लेके जा रही है. सो वी वर लाइक अच्छा. पप्पो भी वहाँ थी तो पप्पो ने भी कहा कि अच्छा हम सब आ रहे हैं, फिर फॉलो रुको हम भी, हमें बताया नहीं जा रहे हो तो हम अभी बैग शैग तो उठाएं गाड़ी तो मंगाएं. उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं आ रहा मेरे घर पे, मैं जा रही हूँ इनको लेके. अच्छा हम में तो वी वर नेवर टोल्ड. और उन्होंने रिसेंटली घर शिफ्ट भी किया हुआ था, वी वर नॉट श्योर कि वो घर कहाँ है, ये भी नहीं पता था. नहीं तो हमने कहा था हम आपको फॉलो करते हैं, वेट हम आ रहे हैं. उसने कहा नहीं मेरे घर कोई नहीं आ सकता. पप्पो को भी बैरी तो अगले दिन करना था, पप्पो को भी उसने कहा कि नहीं आ सकते. अब पापा की पूरी फैमिली या लाहौर में है या क्वेटा में है और पप्पो की एक पप्पो अमेरिका में रहती है, फिर मेरी पप्पो वहां पे थी उनका एक बेटा दुबई में रहते हैं. अब सबने आना या लाहौर से, मेरे बड़े ताया भी जो है वो भी लाहौर, दोनों ताया लाहौर में रहते, कोई भी. अच्छा फिर हमने कहा कि कम अज कम यू नो बैरियल असर पे कर ले. उसने कहा कि नहीं मैं तो बस सोच लिया जो जुमे की नमाज के बाद बस हो गए वो. हमने कहा कोई आ भी नहीं सकेगा, मतलब उनका कोई खानदान नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि कोई नहीं होगा. सो इवन माई ताया गॉट देयर लाइक ही जॉइंड एवरीवन इन द क्या कब्रिस्तान
क्योंकि वो लैंड किए हैं, वो पहुंचे हैं. मैं जब लैंड की तब तक वो घर से भेज चुके थे उनको, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर बाबर माई हस्बैंड. तो वो क्यों कराची पहुंचेगा, फिर मुझे लेके जाएगा, मामा वगैरह निकल गए. आई गॉट टू द हाउस, उन्होंने कहा वो तो ले गए उनको, मस्जिद तो चले गए. हम मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने कहा ऑटो तो मस्जिद में नहीं आ सकती. आई हैड नॉट सीन, यू नो, आई हैड टू सी वन लास्ट टाइम. एंड देयर लाइक नो, औरतें नहीं आ सकती मस्जिद में. सो हम बहुत लड़ाई करके, यहाँ पर मेरी दोस्त सफी भी, शी हेल्प मी, उसने लड़ाई की कि मेरी बेटियों ने दे हैव टू सी द फादर फॉर द लास्ट टाइम, वरना वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे. उस औरत ने एक बार भेज दिया. तो एक तो वैसे इट वॉज सो पेनफुल एंड इट स्टिल इज एक्चुअली, यू नो, इट डजंट एंड ना, इट जस्ट खासतौर पर मैं जो आपको बता रही थी, मैं सो नहीं पाती हूँ रात को. इस मेरी कोशिश होती है राइट बिफोर फॉलिंग असीप, टिल द एंड आई फॉल असीप, आई कीप प्लेइंग अ गेम ऑन द फोन और समथिंग, सो दैट आई डोंट हैव टाइम टू थिंक, बिकॉज यू नो एज सून एज यू गेट टाइम टू थिंक, यू नो, यू दो दो दैट लास्ट विजुअल दैट आई सॉ इन द हॉस्पिटल, फिल्मों में दिखाते हो वाकई सही दिखाते हैं कि ऐसे शॉर्ट्स आते हैं ऐसे ऐसे, आई कांट, यू नो. सो आई अवॉइड लाइक एंड आई अवॉइड गोइंग टू बेड बिकॉज आई नो दैट यू नो इट्स गोना बी क्वाइट एंड इट्स गोना बी दिस गोना बी नो. और इतने सालों बाद आबिद अंकल से तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हुआ था शादी के बाद, परफेक्ट हो गया था. Pehli dafa we became friends. There was so much, and I found out. I thought he was, because I got into this industry with against his wishes. So, to me, to ye samajhti thi. I, matlab log mujhe aake bataya tha that he's really proud of you, and I was like, nahi, tum log jhoot bol rahe ho mujhe khush karne ke liye. Kehte no, because of the way you've conducted yourself, Mashallah. Being in this business. So he is proud of you. Kehti nahi, pehle wo milte hi nahi the. तो जब शादी पे व्हेन आई सॉ हिम एंड देन वी मेट अ फ्यू टाइम्स, आई रियलाइज दैट यस, व्हाटएवर एवरीवन सेज, आई सी दैट इन हिज आईज, एंड नाउ ही इज लाइक, यू नो, रीचिंग आउट, एंड ही इज, सब कहते थे रिग्रेट करेंगे बच्चों को छोड़ के ऐसे जाना एंड ऑल. तो मुझे होता था कि कोई बात नहीं, यू नो, आई वाज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट एनी मोर, बट देन आई सॉ इट एंड आई वाज लाइक, हां, ही इज रीचिंग आउट नाउ एंड देन, टेरिबल टाइमिंग मैन, आई मीन. And it was just a very bad joke by Allah. Yeah. बस मैं यही एंड में कह सकती हूँ कि अल्लाह सबर ही दे. पेरेंट्स का लॉस एंड देन व्हाट हैपेंड इज वेरी पेनफुल. Yeah, it happened in a bad way. ईमान को तीन लफ्जों में डिस्क्राइब करो तो ईमान क्या है? फेथफुल, डेडिकेटेड एंड प्रिंसिपल्ड. आई एग्री. बोरिंग हद तक प्रिंसिपल. इन लोग मेरे फ्रेंड्स हो जाते हैं, इतने भी तेरे क्या प्रिंसिपल. अभी मैं लोगों को बताती हूँ कि हम क्यों पिटते थे इन प्रिंसिपल्स पे. मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जब हमने मॉडलिंग शुरू की तो कुछ सेलिब्रिटीज बनी एज अ मॉडल, फिर एक ब्रेक आ गया एंड देन सडनली केम ईमान अली. सो लास्ट सुपर सुपर डुपर मॉडल जो थी वो ईमान, एंड यू आर अ कनेक्शन बिटवीन आज की लॉट और पुरानी लॉट के, कि तुमने दोनों को देखा. नहीं, और मेरे साथ की जो है सिबल वगैरह, दे स्टिल मॉडलिंग. तुमने एज अ मॉडल, यू वर हाईएस्ट पेड. या आई मीन आई एम स्टिल हायर पेड देन अ लॉट ऑफ मॉडल्स हु आर वर्किंग टुडे. या यू आर, आई थिंक जो कमर्शियल तुमने किए थे उस जमाने में सबसे ज्यादा पैसे तुम्हें मिले थे, एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, विदाउट डूइंग एनी फिल्म शिल्म उससे पहले भी. तो क्या वजह यही वजह कि तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबसूरत हो? अच्छा, ये तो मैं बिलीव नहीं करती आपको पता है, लेकिन आई वॉज रियली हार्ड वर्किंग एंड अल्लाह मियाँ को मेरी नीयत पता थी. I'm extremely hardworking. I mean, in all of my lot who were girls who are becoming models, I was the only one. जैसे पूरा डेढ़ महीना सिर्फ रैम्प का पूरी ट्रेनिंग ली थी HSY से, शेरू से. So I was always like working extra hard on everything. And yeah, it just, and plus, you know, मैं अगर शो भी कर रही होती थी तो I was not interested. Even when we traveling, I was not interested in going out to shop or going out. तो मुझे सिर्फ काम करना होता था. सो आई वुड एंड अप लाइक
putting more effort into my work because I had more energy to do it. And then after TVC se ek to mere pehle saal mein, I did about six, seven. Mm-hmm. So, lekin I ended up charging as much as I charged. I always asked for more, but then my video came out. And that was like a huge. एक तो पहला video कोई best video award मिला था सानू तेरे ना प्यार जो था. अच्छा that video. No. Then the video that made me star was Anarkali. Yeah. That was that was like oh my god. That was like people would star for films and it was like better looking than most films. तो तुम्हारे बाद क्या हुआ? क्यों नहीं आई कोई और ऐसी star? ये मुझसे नहीं आओगे ऐसी बात मैं क्या कह सकती हूँ? I don't know because you feel that way. I probably don't. No, that's a fact. Anyway, इसमें तुम्हारी extraordinary looks का भी बहुत हाथ है. But मैं एक चीज मैंने और भी लोगों से पूछा लेकिन मुझे satisfactory इसका जवाब आज तक नहीं मिला कि modeling में कुछ ऐसा है जिसके लिए जहानत की जरूरत होती है. नहीं मॉडलिंग थोड़ी लकी हो गई फैशन इंडस्ट्री के पहले खास तौर पे इंटेलिजेंट औरतें मॉडल्स बनती थी अब आप जाकर देखें तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब कम ऑन मैन आई मीन रियली आई एम नॉट बीइंग एन एलिटिस्ट बट या आल्सो द वे दैट दे स्पीक एंड यू नो देयर बेसिक जनरल नॉलेज इज जस्ट नॉट सो तो तुम्हारे ख्याल में पढ़ा लिखा होना जरूरी है कहीं भी फ्लरिश करने के पहली तो बात है कि माय डेफिनेशन ऑफ पढ़ा लिखा आई नो दैट फ्रॉम एवरीवन एल्सेस आई मीन आई डू नॉट बिलीव इन आर एक्चुअली दुनिया के एजुकेशन सिस्टम से आई डू नॉट एग्री बिकॉज यू नो दैट मेक्स एवरीवन अगर लोग ध्यान दें तो मैट्रिक्स फिल्म आपको समझ आने लगती है कि हाँ हम एक कंप्यूटर का हिस्सा बनाए हुए हैं एक मतलब रोबोट्स है जो चल रहे हैं कि ओके तुम इतना वो लोगे पे मार्क्स लोगे तो तुम्हें ये जॉब लगे और उसमें भी आपकी कोई ग्रोथ नहीं है उसमें ह्यूमन ग्रोथ का कोई हमारी एजुकेशन सिस्टम में ह्यूमन ग्रोथ का कोई एवोल्यूशन का कोई ताल्लुक नहीं है इट्स जस्ट टर्निंग एवरीवन इनटू एक सांचे में डाल दो चलिए टक 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 बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस टाइम एंड एफर्ट एंड इट्स ईजियर फॉर द पर्सन हु इज डूइंग द पढ़ाई एंड द वंस who are giving them the stupid padhai, which is not padhai. It's actually, I can't call it, ye regression hai, progression nahi hai. Iman ko mujhe ye pata hai ki Pakistan mein jitni filmen bani hain shuru mein, sari aapko offer ho? Abhi wale bhi. Abhi bhi sari offer hoti? Sari nahi, haan, matlab 90%. 90%? Kyun na kar deti ho? Kyun nahi kaam karti? Itna kam kaam kyun kar rahi ho? Because, dekhi, ek to mujhse होता होगा नहीं अगर इफ आई डोंट फॉल इन लव बिकॉज डबल लेयर्ड है इसमें यहाँ पे कि एक तो इफ आई एम अनवेल तो अगर आई एम अनवेल आई मीन आई एम वी विल टॉक अबाउट इट सो इस वजह से तबीयत की वजह से तो जब मुझे प्यार होता है ना किसी काम से कि मैं कुछ पढ़ू कोई स्क्रिप्ट पढ़ू और मुझे इश्क हो गया है तो एवरीथिंग इज माइंड ओवर मैटर राइट तो अगर आप अंदर से खुश हैं ना आपको हमेशा आप नोटिस करेंगे अगर आप किसी अच्छे सिचुएशन में बैठे हैं तो आपको चोट भी अगर लगेगी तो उसकी दर्द कम होगी hmm.